ओके सो हाय गाइस, दोस्तों वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण और आज के इस नए वीडियो में गाइस हम करने वाले हैं गाइस कुछ इस टाइप फोटो एडिटिंग, जो कि गाइस आप सभी ने देखी होगी इंस्टाग्राम में। तो आप लोग अगर ऐसे एडिट करना चाहते हो तो आप लोग जो भी स्टेप मैं बताऊँ उनको इनटू सेम फॉलो करना। एंड गाइस जो भी बैकग्राउंड चेंजेस होंगे वो सारा आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन भी कर लेना। बाकी चलिए गाइस वीडियो को जो है बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो आप लोगों को जो है गाइस अपनी फोटो को जो है मतलब कि इस तरीके से क्लिक करवा लेना है। यहाँ पे गाइस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे गाइस पोज वगैरह आप लोग ध्यान से देख लो, ठीक है, इस तरीके से। एंड आप लोगों को जो फोटो जब आप क्लिक करवा लोगे तो गाइस आप लोगों को जो इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है गाइस, ठीक है। अगर नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दो तीन वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप लोग उसको जाकर देख लेना, या फिर आप इजिली यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको काफ़ी सारी वीडियोज उसके ऊपर भी मिल जाएंगी। तो गाइस अब बात करते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड की। तो गाइस यहाँ पे बैकग्राउंड आपको डाउनलोड करके पिक्सआर्ट ऐप में ओपन कर लेना है। देन उसके बाद आपको ऐड फोटो में जाना है एंड यहाँ से जो है आप लोगों को अपने मॉडल को यहाँ पे ऐड कर लेना है। इतना हो जाने के बाद गाइस आप लोगों को फिर करना है यहाँ पे मॉडल को जो है आपको कुछ इस टाइप से रखना है, ठीक है, नीचे की तरफ से। और आप लोगों को जो है मतलब हैंड जो है आपके फ्रंट में होने चाहिए और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा आपके उसमें उसको उन सभी को जो आपको रिमूव कर लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है गाइस आपको बहुत ही मतलब कि यहाँ पे इस तरीके से रखना है कि ये मतलब यहाँ पे ना फेक नहीं लगना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप शेडो वगैरह बनाना है तो यहाँ पे कैसे बनाना वो भी मैं बताऊँगा। तो गाइस उसके बाद देखिए जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा है, जैसे कि एक हैंड हमें जो है पीछे की साइड में पहुँचाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले नीचे से रिमूव करते हैं हल्का हल्का, इसको स्मूथ कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे। और उसके बाद जो है यहाँ पे क्या करेंगे, जो हैंड वगैरह है उसको भी हम थोड़ा सा सही कर लेंगे। तो पहले हम इसको जो है नीचे की साइड में रख लेते हैं पहले, ठीक है, यहाँ तक। एंड इतना हो जाने के बाद जो है आप लोगों को थोड़ा इसको आगे की तरफ में रख लेते हैं यहाँ, ठीक है। आप क्या करेंगे यहाँ पे जो थोड़ा सा जो भी कम एडजस्टमेंट है जो मतलब रह जाती है उसको हम कर लेते हैं। यहाँ पे इरेजर टूल में जाएंगे, यहाँ पे हार्डनेस फुल कर लेंगे और ये हैंड को जो है पीछे की साइड में पहुँचाना। तो पहले तो हम इसी कपड़ा जो था इसमें इसको रिमूव करेंगे और इसकी ओपोसिटी कम ही रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको जो है हम पीछे की साइड में ले जाते हैं। तो यहाँ पे हमने इतना कर दिया है गाइस, ठीक है। अब देखिए गाइस यहाँ पे जो है मतलब कि जो पीछे का जो पैर है गाइस ये जो है ज़्यादा रिमूव हो गया है, बट इसको क्या करेंगे पहले हम इसका एक डुप्लीकेट कर लेंगे, ठीक है। डुप्लीकेट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से पहले हम इसको जो है पूरा फिल कर देते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब जो है मतलब कि इसमें जो है डुप्लीकेट जो किया है हमने इसको जो है हम क्या करेंगे नीचे की साइड में ले जाएंगे, ठीक है, मतलब कि इसे मूव डाउन करेंगे, पहले रोटेट करेंगे यहाँ पे। तो वहाँ पे फ्लिप रोटेट में जाएंगे या फिर लास्ट वाला ऑप्शन लेंगे, इसको एकदम नीचे की तरफ ले जाएंगे एंड इसको सेम वैसे ही रखेंगे जैसे ऊपर वाला है, ठीक है। इतना जाने के बाद इसकी जो ओपेसिटी कम कर लेंगे यहाँ पे हम, क्योंकि ये जो है हम वाटर रिफ्लेक्शन दे रहे हैं ना इसमें। तो अभी देखिएगा इस बीच में जो थोड़ा फेक सा लग रहा होगा, बट अभी क्या करेंगे ऐड फोटो में जाएंगे, तो ब्लैक कलर का एक बैकग्राउंड ऐड करेंगे और फिर इसको क्या करेंगे, इसको जब ऐड कर लेंगे तो आपको इसको फुल स्क्रीन करना है कुछ स्टेप से। एंड रिजल्ट टूल में जाकर इसको इन्वर्ट करना है, ब्रश लेना है, ब्रश के साथ अपने अकॉर्डिंग रख लेना है एंड फोटो को जूम करना है। एंड आपको जो इस टाइप से ऐसा शैडो क्रिएट करनी है, मतलब कि ऐसे नहीं, मतलब थोड़ा साइज लिमिट में रखना है इतना, और यहाँ पे इतना थोड़ा सा हम निकाल लेते हैं बाहर, ठीक है। अब देखिए रिजल्ट टूल में जाके थोड़ा सा हार्डनेस ओपेसिटी कम करके साइज बढ़ाकर हल्का हल्का रिमूव करेंगे पीछे पीछे से, ठीक है, इस तरीके से, ताकि जो शेडो है थोड़े रियलिस्टिक लगनी चाहिए, मतलब थोड़ी नहीं पूरी ही। तो अब जो है हम इसकी ओपेसिटी कम कर लेंगे यहाँ पे। अब देखिए कैसे यहाँ पे काफ़ी अच्छी फोटो लग रही है हमारी काफ़ी हद तक, ठीक है। तो अभी जो इतना काम हमारा हो चुका है यहाँ पे, तो अभी इसको हम डन करते हैं। अब गाइस देखिए यहाँ पे जो है फेस जो है एकदम मैच नहीं हो रहा है गाइस, तो उसके लिए करेंगे एडजस्टमेंट में जाके, यहाँ पे एडजस्टमेंट में जाएंगे एंड उसके बाद जो है यहाँ पे सैचुरेशन पूरा फुल कर देंगे, रिजल्ट में जाके इन्वर्ट कर देंगे, ब्रश लेंगे। ब्रश लेने के बाद जो है सिर्फ अपने मॉडल के ऊपर से इस तरीके से पेंट करेंगे। और जो गाइस ये जो है ना मतलब कि आप लोग लिमिट में करना है, ठीक है, मतलब कि ये नहीं है कि मैंने फुल कर दिया है तो आप लोगों को ही फुल कर देना है। अगर आपका फेस मुझे पता है कि मतलब कि किसी किसी फोटो में जो थोड़ा बहुत मैच हो रहा होगा, हल्का हल्का फ़र्क होगा, तो उसके हिसाब से ही आपको बढ़ाना है इसको, ठीक है। वरना आपके अब तक आपके फोटो में मतलब बिल्कुल मैच कर रहा है बट आपने फिर भी बढ़ा दिया, तो ऐसा हो जाएगा कि आपका मॉडल अलग ही दिख रहा है और दूसरा मॉडल अलग ही दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं करना, आपको लिमिट में करना है, ठीक है। अभी इसको डन कर लेते हैं, बाकी ऑरेंज ऑरेंज हो रहा है उसकी टेंशन मत लो, अब इसको जो लाइट रूम ऐप में ठीक कर लेंगे, ठीक है। तो अभी जो है इसको सेव कर लेते हैं और लेके चलते हैं लाइट रूम ऐप में। अब गाइस देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप लाइट वाला ऑप्शन में जाएंगे, इसकी पहले लाइट को एडजस्ट करेंगे। तो पहले कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देंगे, हाईलाइट्स को बढ़ा देंगे, शेडो को बढ़ा देंगे, ब्लैक्स को कम कर देंगे, व्हाइट्स को बढ़ा देंगे। कलर्स में जाएंगे, यहाँ पे पहले वाइब्रेशन बढ़ा देंगे और मिक्स टूल में जाएंगे, ऑरेंज कलर लेंगे, इसका ल्यूमिनस जो है पहले इंक्रीज करेंगे अपनी फोटो के अकॉर्डिंग, सैचुरेशन कम कर देंगे और ल्यूमिनस को बढ़ा लेंगे, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर करना है ब्लू कलर बिल्कुल भी नहीं चाहिए, सैचुरेशन डाउन कर देंगे इसका, ठीक है। फिर जाएंगे नीचे वाले टूल में, फोटो के यहाँ पे क्लियरिटी को बढ़ा देंगे और जो फोटो में विगनेट है वो अपने अकॉर्डिंग हम डाल देंगे
और यहाँ पे फीदर को इंक्रीज कर देंगे, नीचे लेवल में जाएंगे, फोटो की शार्पनेस बढ़ा देंगे एंड फाइनली गाइस फोटो जो एकदम कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो आई होप कि यार आप सभी को पसंद आई होगी वीडियो, पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।